Assalamu alaikum everyone. So I am now going to Karachi. Karachi क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरे सीरियल की शूट है and I am very excited because एक्टिंग मैंने बड़े अरसे बाद 7-8 साल के बाद रीस्टार्ट की है. अभी रिसेंटली मैंने एक प्ले किया था हम टीवी पे अगर के नाम से. 2-3 और प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो अभी ऑन एयर जाने हैं, बट वो शॉर्ट सीरीज़ टाइप हैं. और अब एक सीरियल करने के लिए जा रही हूँ. कास्ट में हदीता कयानी भी हैं और अली खान हैं, शान सरदी हैं. इट्स रियली स्पेक्टेकुलर कास्ट एंड बजाद रूफ एंड शाजिया बजाद की प्रोडक्शन है. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो गोइंग टू द एयरपोर्ट राइट नाउ. हाँ जी, तो अब मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ. थोड़ा लेट पहुँची जिसकी वजह से मेरे रूम मेकअप आर्टिस्ट खुरम हैं और मैं अब सेपरेटली बैठ रहे हैं. नॉर्मली साथ बैठते हैं तो थोड़ा ज़रा हौसला तसली होती है कि कोई साथ बैठा हुआ है. तो अब हम अलग-अलग बैठे होंगे वे उलझार के एंड के अंदर, एक कोने पे दूसरा दूसरे कोने पे, लेकिन खैर देखी जाएगी कि अब क्या होना है क्या नहीं होना. शुक्र है कि इतना दिमाग हाजिर था अपनी लेट और सारे बाकी मामला के अंदर कि अपनी चाय यानी कि दूध पत्ती बना के मैं घर से निकली कि कम से कम चाय तो अच्छी मिल जाए, क्योंकि जहाज़ पे माशाल्लाह इतनी बुरी चाय मिलती है और हर एयरलाइन की मिलती है. होता है ना कि किसी एक एयरलाइन, हर एयरलाइन को चाय इतनी बुरी मिलती है. लेकिन यार जिस एयरलाइन पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ उनका कम से कम खाना बड़ा मज़े का होता है और जो हल्की सी गंदी सी ग्रोस सी चाय होती है वो होती है. तो मैंने अब एक डिसीजन लिया हुआ है कि मैं जब भी ट्रैवल करूँगी अपनी दूध पत्ती साथ लेके जाऊँगी. बल्कि बाहर भी जाती हूँ तो अपनी टी बैग्स और अपनी इलायची और साथ में दालचीनी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें डाल के फिर उसको मसाला चाय कहते हैं वेस्ट के अंदर, वो बना के पीती हूँ. तो खैर अब देखते हैं कि फ़्लाइट कैसी गुजरती है. गारंटी भी तो कोई नहीं होती ना पाकिस्तान में कि फ़्लाइट किस तरह की होगी, टर्बुलेंट होगी, रिलैक्सड होगी, बच्चे चीखें मार रहे होंगे, किसी की लड़ाई हो रही होगी, कुछ पता नहीं होता. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड फ्लाइट कैसी गुजरती है. तो आई गेस आई विल सी ऑन द प्लेन. सो देयर आर क्रेजी लाइनअप्स एंड काफ़ी देर से वेटिंग इन लाइन एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू टेक टू गेट ऑन. संडे वाले दिन इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स बिट क्रेजी. ओके सो आई लैंडेड. आपको जहाज़ से मैं करने लगी थी, वीडियो बनाने लगी थी, लेकिन जहाज़ से आपको पता इशू होते हैं और वो चोरी छुपी वीडियो बनाना पड़ती है. सो बेसिकली आई लैंडेड इन कराची और कराची में मौसम इतना गर्म नहीं है लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी है कि वो पहुँचते ही जो है ना बाल चुपने शुरू हो गए हैं. और अब आई एम गोइंग टू माय खाला साहब. खाला साहब मेरी अम्मी की बड़ी बहन है, वो उनके घर जाना है और उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो आई टॉक टू द कार. हवाएं चल रही हैं लेकिन जो धूप वाली चिपचिप वाली हवा नहीं होती वो वाली है. वो कराची के एक बड़ी इंडिकेटर होता है पाम ट्रीज जो आपको नजर आती है. कराची की इंस्पिरेशन कभी कभी मुझे दुबई की भी होती है, लेकिन नहीं हुई. गाड़ी का वेट करते हैं और So basically I am now going to my khala's house. वहाँ पे चीज़ें सेटअप करूँगी. शूट तो कल से शुरू होनी है, but I am now in Karachi, officially in the garden. Okay, so thank God, finally गाड़ी भी मिल गई, गाड़ी भी गई, और अब आई एम गोइंग टू गो टू लाइक आई सेड माय खाला's house। रास्ते में हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि एयरपोर्ट से कहीं पर भी पहुँचना हुआ एंड आई हैव टू गो टू डिफेंस कराची DHL, सो इट टेक्स अ व्हाइल। किस्मत अच्छी हो तो आधे पौने घंटे में 45 मिनट में पहुँच जाते हो, किस्मत ना अच्छी हो और रश का वक्त हो तो फिर तो 1-2 घंटे भी लग सकते हैं। स्टेट सी कितनी दूर पहुँचती, बट ये था मेरा लाहौर से कराची तक का सफ़र। आपको अपडेट्स देती रहूँगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन कराची, शोइंग माय रूम, बाथरूम, शोइंग माय स्टे, आई शेयर ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन अनदर वीडियो आगे करती हूँ। बट कराची मतलब लाहौर टू कराची नॉट वेरी एडवेंचरस, बट इट वॉज नाइस। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे साथ एक बच्चा भी साथ ड्राइव कर रहा था और मैं यही सोच रही थी कि बच्चा कितना वेल बिहेव्ड है। नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे जब आपके साथ बैठे होते हैं अपने तो पागल करते ही हैं, बट दूसरों के बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं कभी कभी। बट वेरी वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी पोलाइट बच्चा। उस बच्चे का सिर्फ एक इंटरेस्ट था, मैं एक्चुअली ILC पे बैठी हुई थी और बच्चा जो था वो वीडियो पे था, बार बार करती थी। इतना पोलाइट, इतना वेल ब्रॉट अप, छोटा सा 5-6 साल का बच्चा था। अभी हसन होता तो उसे तो पूरा झांसन पर भागना था। सो वो खातून को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरबियत की आपने अपने बच्चे की। उसने कहा कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे भी रख लें, उनकी भी तरबियत कर दें, शायद वो भी कुछ इंसान बन जाए। एनीवे गाइस, साइनिंग ऑफ, लेट मी नो व्हाट यू थिंक, टेक केयर, बाय।